हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ राम में तो आज हम ले कर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का बहुविकल्पी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन के लिए बायोलॉजी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप कोई भी कंपटीशन अगर देते हैं फार्मेसी से संबंधित अगर उसमें बायोलॉजी आता है तो ये आपके लिए ज़रूर ही उपयोगी होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले से होते हैं तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया है कि एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है तो आपके पास ऑप्शन है जल व प्रोटीन प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट या फिर जल व कार्बोहाइड्रेट या जल व लिपिड तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ए जल व प्रोटीन ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस कोशिका में केंद्र की कला का अभाव होता है यहाँ पे पूछा गया है कि, कि किसके कोशिका में केंद्र की कला मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है अभाव होता है मतलब नहीं पाया जाता है तो आपके पास चार ऑप्शन हैं बताइए जल्द से तो दूसरे का ये एनाबीना या फिर क्लेमाइडोमोनास राइजोपस या फिर लाइकेन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनाबीना ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है सेलुलोज पादप कोशिका का मुख्य घटक है या फिर सेलुलोज का निर्माण होता है तो आपके पास चार ऑप्शन है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ग्लूकोज अड़ू की बीटा वन तथा चार ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी अशाखित श्रृंखला से चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपके पास क्वेश्चन है जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है तो जीवाणु कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का राइट आंसर हो जाएगा बी ठीक है जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है राइबोसोम ठीक है राइबोसोम आगे बढ़ते हैं पांचवा पांचवा है कि कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवस्थाओं का क्रम सही है कि कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवस्थाओं का क्रम सही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँचवें का राइट आंसर हो जाएगा सी ठीक है पांचवे का राइट आंसर है सी वन यश वन जी टू तथा यम ये जो हैं यही कोशिका चक्र से संबंध में सही क्रम है ठीक है आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है निम्न में से किस कोशिका में एच टू एच टू बी एच थ्री और एच फोर प्रोटीन अनुपस्थित होता है तो किस कोशिका में ये सब प्रोटीन अनुपस्थित होता है तो आपको बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठवें का जीवाणु कोशिका ठीक है जीवाणु कोशिका में ये सभी प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं अब आगे बढ़ते हैं सातवां है कोशिका चक्र की यश प्रवस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है कोशिका चक्र की यश प्रवस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है तो क्या है तो सातवें का राइट right आंसर है ए डीएनए संश्लेषण ठीक है डीएनए संश्लेषण इसका राइट right आंसर है आगे बढ़ते हैं आठवां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रवी वंशागत के लिए उत्तरदायी है तो आठवीं का राइट आंसर हो जाएगा सी हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है आगे बढ़ते हैं अब नौवा है भ्रूण पोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोष की विभाजन होता है नौवा क्वेश्चन है कि पोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोष की विभाजन होता है तो नवा का राइट आंसर हो जाएगा डी ये कोशिका मुक्त निर्माण कोशिका मुक्त निर्माण आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है ईस्ट में किस प्रकार का कोश की विभाजन होता है जो ईस्ट होता है उसमें किस प्रकार का कोश की विभाजन होता है तो दसवें का राइट आंसर हो जाएगा बी जो ईस्ट होता है इसमें मुकुलन होता है ईस्ट में मुकुलन होता है अगला है शैवाल में किस प्रकार का कोष की विभाजन होता है तो शैवाल में किस प्रकार का कोष की विभाजन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा एसूत्री विभाजन होता है शैवाल में एसूत्री आगे बढ़ते हैं समसूत्री विभाजन में तर्कु का निर्माण होता है जो समसूत्री विभाजन है उसमें तर्कु का निर्माण होता है तो इसका राइट आंसर है मध्यावस्था में ठीक है मध्यावस्था में अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास अतिरिक्त केंद्रक डीएनए पाया जाता है जो अतिरिक्त केंद्रक डीएनए किस में पाया जाता है तो देखते हैं अतिरिक्त केंद्रक डीएनए किस में पाया जाता है तो ये पाया जाता है ए एवं बी दोनों में हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में पाया जाता है अतिरिक्त केंद्र की आगे बढ़ते हैं अब कोशिका प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं जो कोशिका की प्रक्रियाएं हैं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं तो केंद्रक के द्वारा जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का ब्रेन होता है इसीलिए कोशिका की प्रक्रियाएं केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती हैं आगे बढ़ते हैं मध्य पटलिका मिडल लैमेला में होता है अगला क्वेश्चन है कि मध्य में क्या होता है तो देखते हैं मध्य पटलिका में क्या होता है तो मध्य पटलिका में होता है पैक्टीन ठीक है मध्य पटलिका में होता है पैक्टीन आगे बढ़ते हैं मंड तथा सेलुलोज की इकाई है मंड तथा सेलुलोज की इकाई क्या है तो मंड तथा सेलुलोज की इकाई है ग्लूकोज आगे बढ़ते हैं सेलुलोज का पाचन होता है जो सेलुलेज है उसका पाचन किसके द्वारा होता है सेलुलोज का पाचन होता है तो बताइए जल्द से जल्द तो सेलुलोज का पाचन होता है बी एवं सी ये दोनों इसका सही है मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा पशुओं के द्वारा ये दोनों इसका राइट आंसर है ऑक्सीसोम मिलते हैं अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीसोम कहाँ मिलते हैं तो ऑक्सीसोम अठारह है ऑक्सीसोम मिलते हैं तो ऑक्सीसोम जो मिलते हैं वो मोइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशिका पट्ट सेल प्लेट किसके द्वारा बनती है जो सेल प्लेट है कोशिका पट्ट है किसके द्वारा बनती है तो कोशिका पट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रेमोप्लास्ट जो पहला है फ्रेग्मोप्लास्ट इसके द्वारा कोशिका पट्ट बनता है आगे बढ़ते हैं हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है तो हरित लवक में क्या अनुपस्थित होता है हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है तो हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है एंथोसायनिन। ये जो है एंथोसायनिन यही अनुपस्थित वर्णक है आगे बढ़ते हैं क्रिस्टी किससे संबंधित है ये जो क्रिस्टी है ये किससे संबंधित है तो क्रिस्टी जो है वो एटीपी संश्लेषण से संबंधित है ठीक है क्रिस्टि एटीपी संश्लेषण से संबंधित है आगे बढ़ते हैं कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है किसका कथन है कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है ये किसका कथन है तो ये वीरचोव का ये यहाँ पे जो बी वाले हैं वीरचोव ये वीरचोव का सही आंसर हो जाएगा ग्रेना रहित लवक कहलाता है जिस हरित लवक में ग्रेना नहीं होता है ग्रेना रहित तो जिस हरित लवक में ग्रेना नहीं होता है उसको क्या कहते हैं तो यहाँ पे ग्रेना रहित है ट्वेंटी थ्री वाला तो इसका आंसर हो जाएगा डी ठीक है तो उसका आंसर है डी मतलब क्रोमेटोफोर क्रोमेटोफोर होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं चौबीसवा क्वेश्चन है कोशिकांग किसमें धंसे रहते हैं तो किसमें जो कोशिकांग होते हैं वो धंसे रहते हैं तो चौबीस का राइट आंसर है ए वाला कोशिका द्रव्य में तो कोश का द्रव्य होता है उसी में तो सभी कोश कांग रहते हैं आगे बढ़ते हैं पच्चीसवा है युग्मानुबंधन सिनेप्सिस किसके दौरान होती है तो ये जो पच्चीसवाँ क्वेश्चन है पूछ रहा है कि सिनेप्सिस किसके दौरान होता है तो सिनेप्सिस जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है आगे बढ़ते हैं समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है तो किस अवस्था में केंद्रक कला गायब होती है बताइए तो अंतिम पूर्वावस्था में ठीक है अंतिम पूर्वावस्था में केंद्रक कला गायब हो जाती है आगे बढ़ते हैं वह कोश की संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव गायब हो जाती है वह कोश संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव गायब हो जाती है तो सत्ताईसवां का राइट आंसर है केंद्रक कला ठीक है केंद्रक कला हमेशा गायब हो जाती है अगला है समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है तो समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है कब डीएनए का द्विगुणन होता है समसूत्री विभाजन में तो इसका राइट आंसर है अंतरावस्था में ये जो अंतरावस्था है इसी में होता है डीएनए का द्विगुणन आगे अब अग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है केंद्र की विभाजन का अर्थ है तो केंद्र की विभाजन का क्या अर्थ है तो देखते हैं केंद्र की विभाजन मतलब केंद्र का दो भागों में विभाजन वही पहला आंसर है केंद्र का दो भागों में विभाजन केंद्र की विभाजन है अगला क्वेश्चन अर्धसूत्र विभाजन में उपांति भवन समानता पूर्ण होता है उपांति भवन है मतलब टर्मिनलाइजेशन ये कब पूर्ण होता है अर्धसूत्र विभाजन में तो ये हो जाएगा डाइकैनसिस में ठीक है अर्धसूत्री विभाजन में जो टर्मी टर्मिनाइलिज टर्मिनाइलाइजेशन है यहाँ पे सॉरी ये होता है डाइकैनसिस में आगे बढ़ते हैं कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोश विभाजन होता है जो कायक कोशिका होता है उसमें कौन सा कोष विभाजन होता है तो इसका राइट right आंसर है जो कई कोशिकाएँ होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है अगला है संगठित केंद्रक विहीन कोशिका है जो संगठित केंद्रक विहीन कोशिका कौन है तो इसका राइट आंसर है ए तथा सी दोनों मतलब चौथा इसका राइट आंसर है ए तथा सी ए है जीवाणु कोशिका सी है साइनोफाइस कोशिका ठीक है तो ये दोनों है अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई क्या होती है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर एक से दस माइक्रोमीटर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई एक से दस माइक्रोमीटर होती है आगे बढ़ते हैं वृत्तीय डीएनए पाया जाता है ये जो वृत्तीय डीएनए है किसमें पाया जाता है तो इसका राइट आंसर है कोलाई में ठीक है जो वृत्तीय डीएनए होता है वो विशेषतः ई कोलाई में पाया जाता है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है हरित लवक में भी डीएनए होता है ए कोलाई में भी डीएनए होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में ठीक है आगे बढ़ते हैं दई रज्जुक पाया जाता है दई रज्जुक किस में पाया जाता है तो जो दई रज्जुक आरएनए होता है वो रिट्रोवायरस में पाया जाता है द्विरज्जुक आरएनए रिट्रोवायरस में पाया जाता है आगे बढ़ते हैं सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या बारह सौ बारह सौ किसमें अंकित की गई है यहाँ पे कहा गया है कि सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या बारह सौ बासठ किसमें अंकित की गई है तो छत्तीस का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है पहला फर्न के पौधे में फर्न के पौधे में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला यहाँ से क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक से संबंधित है कि प्रोकैरियोटिक से कौन संबंधित है तो सैंतीसवा का जो राइट आंसर है वो पहला है नीली हरी सहवाल नीली हरी सहवाल प्रोकैरियोटिक से संबंधित है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो ये है सी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है आप सभी को पता होगा कि जो कवक होता है फन उसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है आगे बढ़ते हैं उनतालीसवा क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतु संगणित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेद विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं इस भाग को कहते हैं तो इस भाग को कहते हैं काइनेटे कोर ठीक है अगला है चालीसवां जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है तो जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण साइटोसॉल और माइटोकॉन्डिया में उपस्थित राइबोसोम पर होता है आगे बढ़ते हैं किन्द्रक बाहजीन पाए जाते हैं केंद्रक बााहजिन पाए जाते हैं केंद्रक बाहजिन किस में पाए जाते हैं तो बताइए तो इसका राइट आंसर है हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में सी वाला हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक बााहजिन पाए जाते हैं तो यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ना ही ना स्टाक में होता है न ही क्लास में होता है ना ही में होता है इन तीनों में माइट्रोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ठीक है तो यहाँ पे बयालीस क्वेश्चन हम लोग किए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक तो के लिए धन्यवाद